तो कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के सफ़रनामा को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद एवं गुलाम इल्तुतमिश के कहानियों को आगे समझेंगे, जिसके जीवन के संघर्ष और साहस को बहुत तवज्जो देना होगा, जो महज गुलाम से सुल्तान का सफ़र तय किया और सुल्तान का सफ़र ही नहीं तय किया, दिल्ली सल्तनत पर जो कलंक लगा था, जो दिल्ली सल्तनत की सीमाएं सिमटी हुई थीं उसको विस्तृत कर दिया और साम्राज्य को बिल्कुल सुव्यवस्थित सुसंगठित कर दिया। किसने? इल्तुतमिश ने। इसकी थोड़ी सी हम लोग प्रारंभिक जीवन की अगर चर्चाएँ करें मेरे मित्र, तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को गद्दी से सत्ताच्युत करके स्वयं गद्दी को प्राप्त किया। इसके पिता का नाम इलम का था, शाब्दिक अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। किसका? इल्तुतमिश का। इसे बुखारा से एक व्यापारी ने खरीदा और उस व्यापारी का नाम था मोहम्मद चुस्त कबा। व्यापारी का नाम क्या था? मोहम्मद चुस्त कबा। और मोहम्मद चुस्त कबा ने इसे खरीदा, उसके बाद यह लेकर कहाँ चला आया? गजनी की बाजार में। किस बाजार में इसे लाया? तो इसे ले आया गजनी की बाजार में। गजनी बोले तो अफगानिस्तान। और यहाँ का भी शासक कौन था? मोहम्मद गोरी। गजनी की बाजार में बाखूबसूरत था, बचपन से ही बड़ा खूबसूरत था, और इसी खूबसूरती की वजह से इसके भाइयों ने इसे लाकर के बाजार में बेच दिया था। गजनी की बाजार में मोहम्मद चुस्त कबा इसे लाया, और साथ में इस बाजार में मोहम्मद चुस्त कबा के पास दो गुलाम थे। इस समय इसके पास कितने गुलाम थे? दो गुलाम थे, जिन्हें कहाँ लाया था? गजनी की बाजार में। एक गुलाम का नाम था इल्तुतमिश और दूसरे गुलाम का नाम था तमगाज रूमी। ये दोनों ही योग्य सुयोग्य गुलाम थे, और इनके मार्केट में आने से पूरे बाजार का आकर्षण का केंद्र बन गया था। ये खबर सुल्तान को भी लगी, और जब सुल्तान स्वयं इन गुलामों को देखने के लिए आया और उसके भी अंदर यह भाव जगा कि इनको मैं खरीदूं, और जब सुल्तान ने इसे खरीदना चाहा, तो कहते हैं कि मोहम्मद चुस्त कबा ने देखा कि रेट कौन लगा रहा है सुल्तान, तो उसने अपने गुलामों के दामों में वृद्धि कर दिया। सुल्तान के कहने यानी मोहम्मद गोरी के कहने के बाद भी इसने कम दाम में बेचना नहीं चाहा। क्रोध में आके मोहम्मद गोरी ने क्या किया? गजनी में क्रय विक्रय बंद कर दिया, क्रय और विक्रय बंद कर दिया। किसकी वजह से? इल्तुतमिश और तमगाज रूमी को मोहम्मद चुस्त कबा ने कम पैसे में नहीं दिया, इसलिए मोहम्मद गोरी ने क्या किया? गजनी की बाजार में गुलामों का खरीदना और बेचना बंद हो गया, और इसे आना पड़ा कहां? भारत में। और फिर इस गुलामों को उस समय 1000 दीनार मांग रहा था, स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा था, और आखिर में इसे तांबे की मुद्राओं में 1,00,000 जीतल में इसे खरीदा। किसने? ऐबक ने। और फिर ये शामिल हुए किसके साम्राज्य में? मोहम्मद गोरी के, क्योंकि गोरी का गुलाम ऐबक था, और ऐबक ने अपने मालिक से आदेश लेकर के भारत में इन दोनों गुलामों को खरीदा, इल्तुतमिश और तमगाज रूमी को। और आरंभ में इसे मोहम्मद गोरी ने अपने शाही अंगरक्षक में पद पर शामिल किया था, और जब इसके कारनामों को देखा चंद्रावर के युद्ध में, तो मोहम्मद गोरी ने ऐबक से कहा कि इसके साथ एक अच्छा और नेक व्यवहार करना। ऐबक ने कहा, मालिक जैसा आपका आदेश हो। और आज ऐबक ने बाद में इसकी योग्यता और प्रबुद्धता को देखते हुए अपनी पुत्री भी इसे सौंपा, और आज यह गद्दी पर आसीन हो रहा है। कौन? इल्तुतमिश। सफर यहां से शुरू होता है, इल्तुतमिश के संघर्ष की कहानी, कि इल्तुतमिश कहते हैं गद्दी पर बैठने से पहले यानी शासक बनने से पहले, गद्दी पर बैठने से पहले ये बदायूं का सूबेदार था। बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो बैठने से पहले बदायूं का सूबेदार था। बदायूं यूपी में है। सूबेदार जिसे आज हम लोग प्रांत कहते हैं, उसे पहले सूबा कहते थे। सूबा प्रांतों को क्या कहा जाता था? सूबा। और सूबा का प्रमुख जो होता था उसे हम क्या कहते थे? सूबेदार कहा करते थे। मेरे मित्र, यहाँ का सूबेदार था और यहाँ से आया, और गद्दी आसीन हुआ कौन? इल्तुतमिश। और सफर यहाँ से शुरू होता है किसका? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश के कारनामों की बात करें हम लोग, तो इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो पूरे दिल्ली सल्तनत पर आतंक का छाया, एकदम आतंक का साया मंडरा रहा था। और उसने क्या किया? गद्दी पर बैठते ही पहली नीति बनाई कि जितने उसके विरोधी, क्योंकि वह देखा अभी भी जीवित हैं कौन? मोहम्मद गोरी के दो वफादार गुलाम एल्दौज और कुबाचा। तो इल्तुतमिश ने अपना पहली, इल्तुतमिश के सामने जो समस्याएं आई, उस समस्याओं में अगर हम लोग बात करें तो इसके सामने जो पहली समस्याएं थी वो कैसी समस्याएं थी? तो पहली समस्याएं थी विरोधी।
इसके प्रमुख विरोधियों की। इसके विरोधी पहले कौन थे? इसके प्रमुख विरोधी। और ये विरोधियों को हम लोग कहें तो ये आंतरिक समस्या का हिस्सा माना जाता है। यानी ऑल ओवर अगर हम लोग बात करें तो पहले विरोधियों को इसने क्या किया, इसके विरोधी एक समस्या बन चुके थे। दूसरी समस्या इसके सामने क्या थी? मंगोल आक्रमण, मंगोल अटैक। और तीसरी समस्या क्या थी? तो तीसरी समस्या थी साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार, क्योंकि यह बिल्कुल सिमट चुका था। चौथी समस्या क्या थी? तो चौथी समस्या थी सैन्य सुधार या सैन्य संगठन, सैन्य संगठित, सैन्य व्यवस्था को क्या करना? संगठित करना, सैन्य संगठित। और इसके अलावा पांचवी समस्या क्या थी? नेक्स्ट समस्या व्यापार वाणिज्य, कि किस तरह से व्यापार वाणिज्य को बेहतर किया जाए। और इसके अलावा प्रशासन का सुदृढ़ीकरण। ये सारी समस्याएं उस समय विद्यमान थी, कहां? दिल्ली सल्तनत पर, जब कौन बैठा? इल्तुतमिश। तो एक एक समस्या लेकर वो निजात करना शुरू किया। विरोधियों में सबसे पहले उसने, उसके प्रमुख विरोधी में कौन है? अल्दौज। एक विरोधी कौन है? अल्दौज। दूसरा विरोधी कौन है? कुबाचा। पहला अल्दौज, दूसरा कुबाचा, तीसरा कौन है? अली मर्दान। अली मर्दान, मेरे मित्र, अल्दौज गजनी की गद्दी को संभाल रहा है, गजनी का सूबेदार है। कुबाचा काबुल व सिंध का क्षेत्र, काबुल मुल्तान व सिंध का क्षेत्र इसके पास है। अली मर्दान बंगाल, बंगाल में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। दिल्ली साम्राज्य बिल्कुल एक छोटे से डिब्बे नुमा संकुचित हो चुका था, एकदम बिल्कुल सिमट चुका था। तो इसने सबसे पहले क्या किया? अपने विरोधियों का दमन करना प्रारंभ किया। किसने? इल्तुतमिश ने। तो यहां से सफर होता शुरू होता है विरोधियों के दमन की गाथाएं। और विरोधियों के दमन की गाथाओं में हम लोग बात करें इल्तुतमिश के संदर्भ में, तो सबसे पहले उसका जो सबसे दुष्ट प्रवृत्ति का विरोधी था, जो दिल्ली की सत्ता को हथियाना चाहता था, उसका नाम क्या था? ताजुद्दीन अल्दौज। और अल्दौज की स्थिति ऐसी हुई कि वह गजनी छोड़ करके कहाँ पहुंचा? भारत की भूभाग में आ पहुंचा। और कहाँ पर? हरियाणा के क्षेत्र में। और यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ एक युद्ध हुआ जिसका नाम है तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का पहला युद्ध हम लोगों ने देखा 1191 में, पिछले वीडियो में आप इसको जरूर देखना। दूसरा 1192 में, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। तराइन कहाँ है? हरियाणा में है। यह युद्ध हुआ 1215 और 16 में। ये युद्ध किसके किसके मध्य हो रहा है? एक तरफ इल्तुतमिश है और दूसरी तरफ कौन है? तो दूसरी तरफ है आपका अल्दौज, जो गजनी का सूबेदार था। और इस युद्ध में पराजित किसे कर दिया? तो इल्तुतमिश ने पराजित किया अल्दौज को। और विजयी हुआ कौन? इल्तुतमिश विजयी हो गया, अल्दौज पराजित हो गया। और अल्दौज यहां से भगा, इल्तुतमिश की सेना उसके पीछे लगी। और आखिर में फिर इल्तुतमिश ने क्या किया? अल्दौज का खात्मा कर दिया। पहला दुश्मन समाप्त हो गया। दूसरा दुश्मन कौन बचा? कुबाचा। कुबाचा की तरफ इल्तुतमिश निगाहें करता कि इतने में दुनिया के सबसे खूंखार, एशिया का सबसे खूंखार और तानाशाही बादशाह का आगमन हो गया। किसका? मंगोलों का आक्रमण। तो दूसरे दुश्मन का समाप्त करता कि इससे पहले एक विपदा फाट पड़ी जिसे हम लोग कहते हैं क्या हुआ? तो भारत पर मंगोलों का आक्रमण, भारत पर मंगोल आक्रमण, भारत पर मंगोल अटैक। ध्यान में रखना, यहां शब्द लिखा है भारत पर, भारत में नहीं हुआ। और यह आक्रमण कब हो रहा है? 1221 ईस्वी में। मेरे मित्र, यह आक्रमण क्यों हो रहा है? क्योंकि इस तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश की मदद किसने किया था? तो अफगान शासक ख्वारिज्म शाह ने मदद किया था। और कहते हैं कि मंगोलों को यहां क्यों आना पड़ा? क्योंकि मंगोलों का संस्थापक चंगेज खां है, जो मंगोलिया में निवास करता है। और मंगोलिया कहां है? चाइना के ऊपर और रसिया के बीच में। आप मानचित्र को देखिए, बिल्कुल वहां स्पष्ट होगा। रेगिस्तानी इलाका पाया जाता है। और यहां पर रेगिस्तान में पाई जाने वाली जनजातियां अक्सर बर्बर होती हैं, क्योंकि रेगिस्तान में उत्पादन बिल्कुल नगण्य होता है। तो भौगोलिक दशाएं इनकी ऐसी होती हैं कि इन्हें बर्बरता पर उतारू होना पड़ता है। और दुनिया का सबसे बर्बर शासक था ये, सबसे क्रूर शासक है कौन? चंगेज खां। चंगेज खां ने अफगान शासक को आमंत्रण भेजा कि आप मेरे से साथ समझौता कर लीजिए, मेरे साम्राज्य का हिस्सा बन जाइए। पर उसने उसके पत्र का जवाब नहीं दिया। और यह सूचना मिलते ही चंगेज खां क्रोधित हो गया, क्योंकि पूरे लगभग समूचे एशिया पर उसने विजय प्राप्त किया था। किसने? चंगेज खां ने। और चंगेज खां ने आक्रमण किया अफगानों पर।
ख्वारिज्म शाह फरार होकर के चला गया पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, पर उसका बेटा जो जलालुद्दीन मांगबरनी था वह किधर चला आया, पूर्वी क्षेत्र में भारत की तरफ, और इनका पीछा करते हुए चंगेज खां आया। तो भारत पर मंगोल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो मंगोलों के संस्थापक चंगेज खां। चंगेज खां ये दुनिया का सबसे खूंखार शासक है। कहते हैं कि इनकी आदतें बन चुकी थी मंगोलों की, ये सरों को काट कर मीनार बना के उसमें उसे जलाते और साथ में जश्न मनाते थे। सुराज और सोम लेकर के जश्न आयोजित करते थे, सरों को एक एक हजार सरों को काट कर ये जश्न मनाते और आंखों को निकाल कर गोटियां खेलते थे, ऐसा तानाशाह शासक चंगेज खां। जैसे शोले फिल्म में लोग कहते हैं कि बेटा सो जा नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा, तो एशिया में उस समय कहा करते थे बेटा सो जाने था चंगेज खां आ जाएगा, जिसका मूल नाम तैमूचिन मिलता है। क्या नाम मिलता है? तैमूचिन, कहीं कहीं तैमूजिन भी लिखा मिलेगा। तैमूजिन यानी चंगेज खां भारत पर आक्रमण किया और पीछा करते हुए आया। किसका पीछा करते हुए ये भारत आ पहुंचा? यह उम्मीद न थी कि चंगेज खां भारत आ जाएगा, और पीछा इसने किसका किया? जलालुद्दीन मांगबरनी का। जलालुद्दीन मांगबरनी ख्वारिज्म शाह का बेटा है, चंगेज खां की अधीनता को स्वीकार नहीं किया है। जलालुद्दीन मांगबरनी सिंध के क्षेत्र में आया, और सिंध के क्षेत्र में सिंध नदी के तट पर आ पहुंचा कौन? चंगेज खां। अभी भारत का सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। अभी गद्दी पर प्राप्त किया है, अभी चंद कुछ ही समय पर वो गद्दी पर बैठा है, अभी सेनाएं उसकी व्यवस्थित नहीं है, और जो चंद सेना है भी वो इस लायक नहीं है कि मंगोलों का मुकाबला कर सके। इतनी सुयोग्य और सुव्यवस्थित सुसंगठित सेना उसके पास नहीं है। इल्तुतमिश ने सोचा, समझ बूझ का यहां कार्य था, और उसने बिल्कुल समझता अपनी सूझता को दिखाते हुए डिसीजन लिया। किसने? इल्तुतमिश ने। चंगेज खां ने तुरंत मैसेज भेजा कि बेटा मेरे गद्दार को शरण मत देना, और अगर मेरे गद्दार को तुमने शरण दे दिया तो मैं दिल्ली सल्तनत को चंद चुटकियों में नस्ता नाबूद कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। इल्तुतमिश ने कहा, चाचा बौखला कह रहे हो, ऐसा कुछ मैं करने वाला नहीं हूं। इधर जलालुद्दीन मांगबरनी ने क्या किया? इमादुल मुल्क को भेजा। किसके दरबार में? इल्तुतमिश के दरबार में। इसने अपना दूत भेजा किसके दरबार में? इल्तुतमिश के दरबार में। इल्तुतमिश के पास अपना दूत भेजा इमादुल मुल्क को, और इल्तुतमिश ने क्या किया? इसके दूत की क्या करा दी? हत्या करा दी। कोई भी जानकारी से नहीं प्राप्त हुई। जलालुद्दीन मांगबरनी ने मदद मांगी इल्तुतमिश से कि भैया मेरी मदद किया जाए, मेरे पिता ने तराइन के तीसरे युद्ध में आपकी मदद की थी। और इधर इल्तुतमिश को चंगेज खां ने क्या दे दिया है? चेतावनी कि अगर तुमने मदद किया तो नस्ता नाबूद कर दूंगा मैं दिल्ली सल्तनत को। इल्तुतमिश तो बीच में एकदम फंस चुका है, और इल्तुतमिश ने सूझबूझ का फैसला लिया, जलालुद्दीन मांगबरनी की मदद नहीं की। जलालुद्दीन मांगबरनी ने क्या किया? सिंध के क्षेत्र में आकर, किस क्षेत्र में? सिंध के क्षेत्र में आया, और यहां से पदस्थ किया कुछ समय के लिए किसको? कुबाचा को। और यहां पर उसने सिंध के क्षेत्र में खोखर सरदारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, वैवाहिक संबंध बनाया इसने, और वैवाहिक संबंध बना के ये क्या किया? चुपके से यहां से फरार हो गया। और इस तरह क्या हुआ? चंगेज खां ने कहा था कि अगर बेटा तू मदद नहीं करेगा तो मैं दिल्ली सल्तनत पे आंच नहीं आने दूंगा। ये वीर योद्धा था, अपनी बात का बिल्कुल पक्का व्यक्ति था। इल्तुतमिश ने ना तो मदद किया किसका? जलालुद्दीन मांगबरनी की मदद भी नहीं किया, और इनके चेतावनी से भी बच गया, यानी सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। इल्तुतमिश का साम्राज्य बिल्कुल सुरक्षित रहा, चंगेज खां यहां से वापस चला गया। तो ये भारत पर मंगोल आक्रमण 1221 में। इस मंगोल आक्रमण पर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको भारत में आना पड़ा। तो दूसरी घटना भी क्या रही? समाप्त रहा। दूसरा भी समस्या उससे बच गया, कौन? इल्तुतमिश। दूसरी समस्या यही थी कि उसे बचना था किस आक्रमण से? मंगोल आक्रमण से भी, और मंगोल आक्रमण से भी बचा। अभी उसका एक विरोधी प्रतिद्वंदी अभी जीवित है, जिसका नाम क्या है? कुबाचा। अब इल्तुतमिश ने रुख किस पर किया? कुबाचा पर। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? कुबाचा को पराजित किया। और कुबाचा जब पराजित हुआ तो कुबाचा भागा, और भाग कर इसने क्या किया? सिंध नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली। इस तरह से इल्तुतमिश के विरोधियों का खात्मा हो चुका। दो विरोधी चले गए, अब बचा है कौन? अली मर्दान बचा है। कहां पर? बंगाल पर। तो यह रुख कब आता है? तब अलाउद्दीन ने अपनी अगली पॉलिसी क्या शुरू की? साम्राज्य विस्तार।
और साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अलाउद्दीन ने जिस तरह से यलदौज और कुबाचा को समाप्त कर दिया, कहते हैं इल्तुतमिश ने अपने काल में क्या किया, दिल्ली सल्तनत को गजनी से अलग कर दिया। इसने क्या किया, दिल्ली को गजनी से अलग कर दिया, दिल्ली को गजनी से अलग किया। किसने, अलाउद्दीन, सॉरी इल्तुतमिश ने अलग कर दिया। बिल्कुल अभी तक गजनी का जो संबंध दिल्ली से था उसे समाप्त कर दिया। किसको मारकर, यलदौज को मारकर। और इधर जब इल्तुतमिश अपने रणभूमि युद्धों में व्यस्त था, इसका फायदा उठाया किसने, बंगाल और बिहार के शासकों ने, और अली मर्दान ने अपने को स्वतंत्र अनाउंस कर दिया। अलाउद्दीन ने रुख अपनाया साम्राज्य विस्तार का, और अलाउद्दीन ने कहते हैं साम्राज्य विस्तार के लिए उसने क्या किया, आक्रमण की शुरुआत की। और इल्तुतमिश ने क्या किया, 1226 ईस्वी में रणथंभौर को जीता। किसको जीता, रणथंभौर को विजय किया। और कहा जाता है यहां पर 70 से अधिक शासक जीतने में असफल हुए थे, 70 से अधिक शासक विजय प्राप्त करने में असफल हुए थे, विजय प्राप्त करने में क्या हुए थे, असफल हुए थे। इतने 70 से अधिक उसको जीता किसने, इल्तुतमिश ने। रणथंभौर को जीता, रणथंभौर के अलावा 1227 में इसने मंदौर को जीता, 1227 ईस्वी में मंदौर को जीता। और 1232 में इल्तुतमिश ने, 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान किया और ग्वालियर विजय किया, ग्वालियर विजय किया। ग्वालियर विजय के दौरान इल्तुतमिश ने दिल्ली का शासन किसे सौंपा था, तो ग्वालियर विजय अभियान के दौरान दिल्ली का शासन रजिया को सौंपा था। किसको सौंपा था, रजिया सुल्तान को, इसकी जो योग्य पुत्री थी, रजिया सुल्तान को इसने सौंपा था। और साथ में इस अभियान के लौटने के बाद इल्तुतमिश ने क्या किया, रजिया के नाम के सिक्के चलवाए थे, रजिया के नाम के सिक्के चलवाए। ये सवाल बिल्कुल पूछा गया है और इसे ध्यान में रखना कि इल्तुतमिश ने किस अभियान के दौरान रजिया के नाम के सिक्के चलवाए थे, ग्वालियर अभियान के दौरान। और ग्वालियर को भी क्या किया, इल्तुतमिश ने विजय प्राप्त कर लिया। अब बारी किसकी है, तो अब बारी है बिहार और पश्चिम बंगाल की। इल्तुतमिश के इधर युद्धों में लगे रहने का फायदा उठाया किसने, बंगाल के शासकों ने। और फायदा यह उठाया कि उन्होंने अपने को स्वतंत्र अनाउंस कर दिया, और स्वतंत्र जब घोषित किया तो इल्तुतमिश ने रुख किया उधर, किधर, सबसे पहले उसने बंगाल पर रुख किया। और बंगाल पर जब रुख किया तो इस समय बंगाल में कौन था, अली मर्दान। बंगाल का इस समय शासक कौन हुआ करता था, अली मर्दान। इसने अपने को क्या अनाउंस किया था, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, ऐबक के मरने के बाद अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। किसने, अली मर्दान ने। अली मर्दान की हत्या कर दी किसने, हेसामुद्दीन ने, हेसामुद्दीन एवज ने, हेसामुद्दीन एवज ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और हेसामुद्दीन एवज पर जब नेतृत्व लेकर पहुंचा कौन, इल्तुतमिश, तो हेसामुद्दीन एवज ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण किया। किसके समक्ष, सुल्तान के समक्ष आत्मसमर्पण किया, 1225 ईस्वी के लगभग। किसके समक्ष, सुल्तान के समक्ष। अभी सुल्तान कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया कि ये जब आत्मसमर्पण कर दिया तो उसने बंगाल का सूबेदार बनाया किसे, तो बंगाल का सूबेदार बनाया अलाउद्दीन जानी को। किसे बनाया, अलाउद्दीन जानी को यहां का सूबेदार बनाया। यह भी सवाल पूछा गया, इसे ध्यान रखना, अलाउद्दीन जानी को यहां का सूबेदार बना दिया। अब नेतृत्व किसका था, बिहार का। अलाउद्दीन ने क्या किया, सॉरी इल्तुतमिश ने क्या किया, बिहार पर भी क्या कर लिया, अधिकार किया। और बिहार पर अधिकार किया और साथ में बिहार का सूबेदार किसे बनाया, तो बिहार का सूबेदार बनाया था मलिक जानी को, मलिक जानी। इस तरह से उसने क्या किया, दिल्ली साम्राज्य को बिल्कुल विस्तृत कर दिया। इधर यानी अगर मैं थोड़ा सा मानचित्र में आपको स्पष्ट करूं तो बिल्कुल ये समझना मेरे मित्र, कि ये पाकिस्तान वर्तमान का है, ये अफगानिस्तान है और ये आपका दिल्ली सल्तनत है। इल्तुतमिश जब बैठा तो यहां का क्षेत्र भी अधिकार कर लिया और इस
पूरे क्षेत्र पर, ये पूरा का पूरा हिस्सा किस में शामिल हो गया, दिल्ली सल्तनत में। उसने राजस्थान के इलाकों को जीता, इसके अलावा उसने यूपी के भी बहराइच, बदायूं, कटिहार, अवध, इस पर भी अधिकार कर लिया। किसने? इल्तुतमिश ने। और यहाँ मित्र ध्यान रखना कि दुआब के क्षेत्र में इसी इल्तुतमिश के काल में अवध में, अवध क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? अवध क्षेत्र में पिरथू का विद्रोह हुआ था। ये ध्यान रखना, कौन सा विद्रोह हुआ? पिरथू का विद्रोह हुआ था। किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में। और इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को क्या कर दिया था? समाप्त किया था। तो अवध में इसके काल में कौन सा विद्रोह हुआ? पिरथू का विद्रोह। और इसने उत्तर प्रदेश पर भी के काफी भागों पर अधिकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को विस्तृत कर दिया। किसने? इल्तुतमिश ने। और मेरे मित्र कहते हैं कि जब इस तरह से साम्राज्य भी विस्तार कर दिया, तब अब इल्तुतमिश की वीर गाथाएं और कहानियां शुरू होती हैं। समझना इतिहास के रुख और इसके ऐतिहासिक पहलुओं का जिक्र तो अब मैं शुरू कर रहा हूं मेरे मित्र। इल्तुतमिश ने इन सभी को सफाया किया। इल्तुतमिश के बारे में क्या क्या कहा जाता है? तो इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो इसकी उपाधि, इसे उपाधि क्या मिली? तो इसकी उपाधि मिली थी मेरे मित्र सुल्तान ए सईद। उपाधि क्या थी? सुल्तान। सुल्तान की उपाधि इसे मिली। और सुल्तान की उपाधि किसने दिया? खलीफा ने। कहाँ के? अब्बासी खलीफा। अब्बासी खलीफा, अब्बासी खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह, अल मुंतसिर बिल्लाह, सिर बिल्लाह ने इन्हें कौन सी उपाधि दिया? तो सुल्तान की उपाधि दिया। और ये उपाधि कब दिया था? 1229 ईस्वी में। और साथ में खिलअत भी दिया। क्या दिया? खिलअत। खिलअत क्या होता है? नियुक्ति पत्र, यानी सुल्तान का नियुक्ति पत्र भी इसे दिया। किसने? खलीफा ने, जो अब्बासी वंश का खलीफा था। कुरैश वंश के बाद दो वंश आए, उमैया वंश और अब्बासी वंश। यह पिछले वीडियो में देखना, अरबी आक्रमण में, इसको हम लोग इस्लाम के उदय में पढ़ते हैं, अरबी आक्रमण के पहले। तो इसे 1229 में सुल्तान की उपाधि मिली। इसके अलावा इसने यामीन उल मिल्लत, यामीन उल मिल्लत की भी उपाधि धारण किया था। यामीन उल मिल्लत। और कहते हैं कि इस तरह से खलीफा से इसे किसकी मान्यता मिली? सुल्तान की मान्यता मिली। और इसी प्रकार जब ये पहली बार ऐसा हो रहा है दिल्ली सल्तनत में, इसलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है, ये डाटा खूब याद रखना मेरे मित्रों, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान। वैधानिक मतलब जिसको मान्यता कौन दे दे? खलीफा दे दे। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक या कानूनी सुल्तान किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं वैधानिक सुल्तान। इसके अलावा मेरे मित्र, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है, इल्तुतमिश को। इसके अलावा मेरे मित्र बात करें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो दिल्ली सल्तनत का भी वास्तविक संस्थापक यही है, इल्तुतमिश। इसके इतर में बात किया जाए मेरे मित्रों, तो दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, इसके अलावा बात कहा जाए इलबारी वंश। कौन सा वंश? इलबारी वंश। इलबारी वंश का भी संस्थापक एवं वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, इल्तुतमिश को। इसके इतर में बात करें शमसी वंश का, एक वंश और मिलता है, शमसी वंश का भी संस्थापक किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को। और बिल्कुल इन तथ्यों को बिल्कुल मिस नहीं करा मेरे मित्र, इसके अलावा भारतीय मकबरा का संस्थापक किसे कहते हैं? तो भारतीय मकबरा का संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। और आखिरी में बात करें तो भारतीय मदरसा का भी संस्थापक किसे कहते हैं? भारतीय मदरसा यानी विद्यालय, मुस्लिम विद्यालय, भारतीय मदरसा का भी संस्थापक किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को। इन चीज़ों को छोड़िएगा मत, यही बिल्कुल इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं और क्वेश्चन के दृष्टि से बिल्कुल रामबाण सुरमा के तथ्य हैं, इनको भूलना नहीं मेरे मित्र। और यहाँ से जब उसने अपने विरोधियों को, आपने देखा किस तरह विरोधियों को नस्तानाबूद कर दिया, मंगोल आक्रमण से बच लिया और साम्राज्य का विस्तार कर लिया, अब कहानी शुरू होती है उसके अपने प्रशासन सुधार की। और सबसे ज़्यादा उसने जोर किस पर दिया? तो सबसे पहले उसके हम लोग बात करें किसकी? सैन्य सुधार की। तो इल्तुतमिश ने अपने सेना पर विशेष जोर दिया, क्योंकि सेना ही साम्राज्य के सुरक्षा का एक माध्यम है। साम्राज्य सुरक्षित रहेगा, साम्राज्य बेहतर रहेगा, यानी सेना बेहतर होगी तब। आज हम लोग तालीम अर्जित कर रहे हैं, 1% की भी दिक्कत नहीं है। किसकी वजह से? हमारी सैनिकों की वजह से। हमारे लिए बिल्कुल खड़े और डटे हैं, इसलिए इनको सलाम है। अगर यही हम लोग पाकिस्तान में होते तो बिल्कुल वहाँ एक वर्ग दूसरे वर्ग को क्या कर रहा है, क्लास चल रही है, पहुँचे, दुई बम उठा के फेंके और दरवाज़ा बंद कर दिए, सब लोग बम फटा, चोखा बन गए। पर यहाँ क्या है,
आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, तालीम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि बॉर्डर पे एकदम मुस्तैद है कौन, हमारी सेना। तो इल्तुतमिश ने सेना समझा कि अगर सेना बेहतर होगी तो साम्राज्य भी बेहतर होगा, इसलिए इसने पहला सुधार किस पे किया, सैन्य सुधार। और सैन्य सुधार की अगर हम लोग बात करें मेरे मित्र, तो सैन्य सुधार में इसने क्या किया, सर्वप्रथम पहली बार ऐसा पहल हो रहा है, क्योंकि ऐबक के काल में आपने पढ़ा, पिछला वीडियो देखिए, ऐबक के काल में सेना सुसंगठित और सुव्यवस्थित नहीं थी। सैन्य सुधार में इसने सर्वप्रथम क्या किया, अस्थाई व केंद्रीय सेना की शुरुआत की, अस्थाई व केंद्रीय सेना की शुरुआत किया, किसने, इल्तुतमिश ने पहली बार। और कहते हैं इन सैनिकों के लिए उसने क्या किया, सैनिकों के लिए पहली बार उन्हें अस्थाई और केंद्रीय सेना रखी, और इन सेनाओं के लिए सैन्य सुधार में क्या किया, इनके भर्ती व निरीक्षण के लिए, भर्ती व निरीक्षण कार्य के लिए सुल्तान और सुल्तान के अलावा जो अधिकारी होता था उसे हम लोग क्या कहते हैं, आरिज़ मुमालिक, यही बिल्कुल इनकी भर्तियां करता, निरीक्षण करता था सुल्तान के अलावा कौन, आरिज़ मुमालिक, इसे सेनापति कह सकते हैं, या सेना पर नियंत्रण इसी का था, लेकिन प्रमुख सेनापति कौन होता था, सुल्तान स्वयं होता था प्रमुख सेनापति। इल्तुतमिश के अगला सुधार क्या रहा, तो इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन पे जोर दिया, और प्रशासन सुधार में उसने क्या किया, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम मेरे मित्र क्या किया, सर्वप्रथम इक्ता प्रथा शुरू किया, इक्ता प्रथा, और ये भारत में सर्वप्रथम इसी ने शुरू किया, कहां पर, भारत में। लेकिन अगर इसके पहले नाम आ जाए तो क्या लगाना है, अगर इसके पहले पूछ लिया जाए मेरे मित्र, तो सबसे पहले एकता प्रथा मोहम्मद गोरी ने शुरू किया था, और पहला एकता किसे इक्तेदार बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। एकता प्रथा शुरू किया किसने, इल्तुतमिश ने। एकता जो है किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है ये, और इसका अर्थ होता है एकता का भूमि या जमीन का टुकड़ा। इल्तुतमिश ने क्या किया कि एकता जो था यह प्रदान किया, एकता प्राप्तकर्ता को क्या कहा जाता, एकता प्राप्तकर्ता को इक्तेदार कहा जाता था, क्या कहा जाता, इक्तेदार कहा जाता था। यह किसे किसे दिया गया, तो एकता यानी इसमें क्या किया जाएगा, जो जमीन है वहां से जो राजस्व एकत्रित होगा उस राजस्व से वेतन दिया जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, इक्तेदार। जो यहां से वेतन प्राप्त करेगा उसे क्या कहेंगे, इक्तेदार। बाद में इसको प्रांतों में लागू किया, किसने, इल्तुतमिश ने। मित्र ये सैनिकों और असैनिकों दोनों को दिया गया, सैनिकों को भी दिया गया और किसे दिया गया, असैनिकों को, यानी प्रशासन में भी और सैनिकों दोनों को क्या प्रदान किया गया, इक्ता। अब जो इक्तेदार होता वो अपनी रकम के बाद, अपनी रकम प्राप्त करने के बाद शेष रकम कहाँ रखता, तो शेष रकम को राजकोष में रखता था, कहाँ पर, राजकोष में रखता, जिसे मित्र क्या कहते, फवाजिल कहा जाता था। मैं इस पर और बातें करूं तो मेरे मित्र, जब इल्तुतमिश ने एकता प्रथा शुरू किया, जो दिया जाएगा किसको, सैनिक अधिकारियों असैनिक अधिकारियों को, जो राजस्व एकत्रित होगा उससे अपना वेतन प्राप्त करेंगे, जो शेष राशि बचेगी वो सुल्तान के राजकोष में जमा होगा, जिसे क्या कहेंगे, फवाजिल कहेंगे। पर इल्तुतमिश ने जो एकता प्रथा शुरू किया वो हस्तांतरणीय था, यानी केवल एक ही व्यक्ति को नहीं रहेगा, वो ट्रांसफर भी किया जा सकता है, यानी इल्तुतमिश का एकता प्रथा क्या था, हस्तांतरणीय था। आगे हम लोग बात करेंगे कि इस हस्तांतरणीय व्यवस्था को आनुवांशिक किसने बना दिया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी किसके काल से चलना शुरू हुआ। उद्देश्य एक छोटा सा सुन लो, इसका उद्देश्य था सामंतीशाही व्यवस्था को समाप्त करना, किसका उद्देश्य, एकता प्रथा का। मेरे मित्र एकता प्रथा की पूरी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है सियासतनामा में, किस में मिलती है, सियासतनामा पुस्तक में एकता प्रथा की जानकारी मिलती है। तो सर से पहले क्या शुरू किया, एकता प्रथा। इसके अलावा इसने क्या किया, सर्वप्रथम इसने दल चालीसा का गठन किया, किसका गठन किया, दल चालीसा। इसमें कौन थे, तुर्की सरदार थे, वफादार तुर्की सरदार थे, कितने, 40 थे। इनका उद्देश्य क्या था, सुल्तान के साम्राज्य एवं सुल्तान के परिवार की रक्षा करना इनका दायित्व था, 40 योग्य तुर्की सरदार थे इसमें। और इसके अलावा इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं मेरे मित्र, इन्हीं को हम लोग कहते हैं तुर्कान ए चेह लगानी। ये भी सबसे पहले गठित किसने किया, इल्तुतमिश ने।
और इसके आगे की कहानी बढ़ती है इल्तुतमिश के सफ़र की कि इसके अलावा इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन में क्या सुधार किया। तो अपने प्रशासन में उसने व्यापार और वाणिज्य को बेहतर करने के लिए, क्योंकि आपके साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य तभी बेहतर हो पाएगा जब उसके लिए कोई एक निश्चित मुद्रा प्रचलन में हो। तो कहते हैं इल्तुतमिश ने क्या किया, सर्वप्रथम इसने मेरे मित्र क्या किया, सर्वप्रथम दो अरबी सिक्के चलवाए। कितने? दो अरबी सिक्के चलवाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने दो अरबी सिक्के चलवाए जिसमें एक चांदी का था और दूसरा था तांबे का। चांदी के सिक्के के से हम लोग क्या कहते हैं, टंका या टका कहते हैं, और तांबे के सिक्के को क्या कहते हैं, जीतल कहा जाता है। और कहते हैं सर्वप्रथम इसने क्या किया, पश्चिमी देशों के आधार पर, विदेशियों के आधार पर इसने क्या किया, सिक्कों पर टकसाल वर्ष अंकित करवाया। सिक्कों पर क्या किया, सर्वप्रथम सिक्कों पर टकसाल वर्ष अंकित करवाया, जहां सिक्का छापा जाता था टकसाल वर्ष अंकित करवाया। और मेरे मित्र इल्तुतमिश के सिक्के के बारे में हम बात करें तो इसके सिक्के जो थे वो पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे, सिक्कों के समान थे। हमारे कुछ इतिहासकार इसे मध्यकाल का मुद्रा विशेषज्ञ कहते हैं। इल्तुतमिश को क्या कहा गया है, मुद्रा विशेषज्ञ भी कहा गया है। मुद्रा विशेषज्ञ कहा गया है किसको, इल्तुतमिश को। इसने इसके अलावा अपने सिक्के पर क्या किया, इल्तुतमिश ने अपने सिक्के पर अपनी वीर गाथाएं एवं खलीफा का नाम अंकित कराया। किसका? खलीफा का नाम भी अंकित कराया और इसके अलावा अपने शौर्य को भी अंकित कराया। अपने शौर्य, शौर्य यानी साहस, सूर्य का स्वरूप, साहसी योग्य शासक, तमाम जैसे ऐसे शब्द भी इसने क्या किया, अंकित करवाया। इसके अलावा घुड़सवार और नंदी आकृति के चिन्ह भी इसके सिक्के पर दिखाई देते हैं, जिस तरह से मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी आकृति के सिक्के चलवाए थे, उस तरह इसके सिक्के पर भी घुड़सवार और नंदी आकृति के सिक्के के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए इसको मध्यकाल का मुद्रा विशेषज्ञ भी कहा जाता है। और आखिरी अगर हम लोग बात करें तो इल्तुतमिश के ये सफ़र के बाद इसका जो अगला सफ़र मेरे मित्र शुरू होता है कि इसने शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया था। और कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में ही इसका एक सुयोग्य पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था नासरुद्दीन महमूद। पर हुआ क्या, नासरुद्दीन महमूद 1231 में मारा गया। इल्तुतमिश बड़ा दुखी हुआ और इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की याद में, किसकी याद में, पुत्र की याद में इसने क्या किया, मकबरा बनवाया, सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया। कहाँ पर? दिल्ली में। ये 1231-32 में बनवाया सुल्तान गढ़ी का मकबरा, किसकी याद में, पुत्र नासरुद्दीन की याद में। और कहते हैं बिना छत का मकबरा था। कैसा था? बिना छत का मकबरा था। और इस मकबरे में स्क्रीच शैली यानी इंडो ग्रीक शैली से निर्मित मकबरा था। इंडो ग्रीक शैली यानी भारतीय और विदेशी शैली में, इंडो ग्रीक शैली में निर्मित मकबरा था। इसीलिए इल्तुतमिश को भारतीय मकबरा का संस्थापक भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इल्तुतमिश ने क्या किया कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्र व मालिक मोहम्मद गोरी का भी ये गुलाम था। इसलिए इसको हम लोग एक तो खूब बढ़िया तथ्य जानते हैं, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को। तो ये पुत्र और मालिक की याद में इसने क्या किया, मदरसा का निर्माण कराया। किसका निर्माण? मदरसा यानी विद्यालय बनवाया, मदरसा का निर्माण करवाया इसने। और ये मदरसा कहाँ बनवाया, तो एक मदरसा था नासरी, मदरसा ए नासरी दिल्ली में, और दूसरा था मदरसा ए मुइज्जी। ये दोनों इसने कहाँ बनवाया, दिल्ली में बनवाया, ताकि लोगों को तालीम भी मिल सके। और इतना ही नहीं, इसने विद्वानों को भी अपने दरबार में आश्रय दिया था। किसने? इल्तुतमिश ने। कहते हैं मेरे मित्र कि इल्तुतमिश ने इन कार्यों को करने के अलावा इल्तुतमिश ने और स्थापत्य कार्य क्या किया, बदायूं में इसने क्या किया, बदायूं में जामा मस्जिद बनवाया था। क्या? जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा ईदगाह का भी निर्माण कराया, ईदगाह का भी निर्माण कराया कहाँ, बदायूं में। और इसके अलावा हौज ए शमसी, हौज
ए शमसी नामक तालाब भी इसने बनवाया। कहाँ पर? दिल्ली में। हौज ए शमसी तालाब का निर्माण करवाया। कहाँ पर? दिल्ली में। स्थापत्य की अगली बात हम लोग करें तो मेरे मित्र, इसके इतर इसने क्या किया था? कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। क्योंकि कुतुब मीनार को शुरू किसने किया? तो ऐबक ने नींव रखी थी और इसने क्या किया? कुतुब मीनार को पूर्ण करवा दिया। विश्व की सबसे ऊंची मीनार क्या है? कुतुब मीनार। इसने पूर्ण करवाया 1231 और 32 ईस्वी के लगभग, 31 और 32 में कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। आगे हम लोग कुतुब मीनार पढ़ेंगे पूरा डिस्क्रिप्टिव रूप में कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, जिसकी नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा करा दिया किसने? इल्तुतमिश ने। इस तरह से सफर का अब कहानी और अंतिम पहलू आ रहा था। अब कोई योग्य बेटा इसके पास ना बचा था। इसने अपने वफादार वजीर जुनैदी से कहा था कि मेरे ना, अब मेरे ना रहने के बाद मेरी गद्दी मेरी बिटिया रजिया सुल्तान को देना। और कहते हैं इस प्रकार क्या हुआ, 1236 में बामियान इसका अंतिम अभियान था। बामियान इसका क्या था? अंतिम अटैक था 1236 के लगभग। किस पर? खोखरों पर। पर ये क्या हुआ? बीमार हो गया और 1236 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसका दफनाया कहाँ गया? दिल्ली में। इसलिए इसका मकबरा भी कहाँ है? तो इसका मकबरा है कहाँ? दिल्ली में। और यहाँ के बाद अब तय हुआ कि कौन सुल्तान बनेगा, क्योंकि सुल्तान की योग्य संतान जा चुकी है। नासिरुद्दीन महमूद मर चुका है और उसने उस सदी में अपने वजीर से कहा मेरी बिटिया को गद्दी पर बैठाना। उस समय एक महिला का गद्दी पर आसीन होना कितना उचित था कि कितना उचित नहीं था, उस समय क्या लोग महिला शासन को बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ हम लोग अगले वीडियो में मित्र देखेंगे। धन्यवाद।